और भारतीय टीम जनवरी में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेलेगी। इस सीरीज में टीम इंडिया का एक स्टार ऑलराउंडर वापसी कर सकता है। ये खिलाड़ी कातिलाना गेंदबाजी करता है और धाकर बैटिंग में भी माहिर है। बांग्लादेश के दौरे के बाद टीम इंडिया घर में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेलने जा रही है। इस सीरीज के साथ ही टीम इंडिया वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू कर देगी। अब इससे पहले ही टीम इंडिया के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। टीम इंडिया का एक स्टार खिलाड़ी फिट होकर मैदान पर फिर से वापस लौट सकता है और ये खिलाड़ी श्रीलंका के सीरीज में वापसी करेगा, जो हम आपको नाम बताएंगे। आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की बात कर रहे हैं, जो लंबे समय से चोट से परेशान चल रहे हैं और एशिया कप के बीच में ही वो बाहर हो गए थे। इसके बाद ही चोटिल की वजह से ही वो T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं खेल पाए थे। फिर वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी वापसी के संकेत दिए हैं। भारत के स्टार ऑलराउंडर में शुमार है रविंद्र जडेजा। घुटनों की सर्जरी से उभर रहे हैं, वो 34 साल के हैं और स्टार क्रिकेटर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग करने के लिए अब वो पहुंच चुके हैं। अब यहाँ उनकी फिटनेस पर फैसला लिया जाएगा। वो श्रीलंका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए दावा पेश कर सकेंगे। जडेजा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि वो बेंगलोर जा रहे हैं, अगर NCA जाकर वो फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं तो उनकी टीम इंडिया में वापसी हो सकती है। टीम इंडिया को जनवरी में श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैच और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जडेजा के श्रीलंका के खिलाफ खेलने की उम्मीद अब जताई जा रही है। उन्होंने टीम इंडिया की तरफ से तीनों ही फॉर्मेट में वो खेले हैं और वो ही कातिलाना गेंदबाजी, ढाकर बैटिंग में माहिर है, फील्डिंग में भी उनका कोई जो है वो सानी नहीं है। रविंद्र जडेजा ने भारत के लिए जो है 60 टेस्ट मैच खेले हैं, 171 वनडे मैच और 64 T20 मैच में भी उन्होंने भाग लिया है। और भारतीय टीम जनवरी में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेलेगी। इस सीरीज में टीम इंडिया का एक स्टार ऑलराउंडर वापसी कर सकता है। ये खिलाड़ी कातिलाना गेंदबाजी करता है और धाकर बैटिंग में भी माहिर है। बांग्लादेश के दौरे के बाद टीम इंडिया घर में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेलने जा रही है। इस सीरीज के साथ ही टीम इंडिया वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू कर देगी। अब इससे पहले ही टीम इंडिया के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। टीम इंडिया का एक स्टार खिलाड़ी फिट होकर मैदान पर फिर से वापस लौट सकता है और ये खिलाड़ी श्रीलंका के सीरीज में वापसी करेगा, जो हम आपको नाम बताएंगे। आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की बात कर रहे हैं, जो लंबे समय से चोट से परेशान चल रहे हैं और एशिया कप के बीच में ही वो बाहर हो गए थे। इसके बाद ही चोटिल की वजह से ही वो T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं खेल पाए थे। फिर वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी वापसी के संकेत दिए हैं। भारत के स्टार ऑलराउंडर में शुमार है रविंद्र जडेजा। घुटनों की सर्जरी से उभर रहे हैं, वो 34 साल के हैं और स्टार क्रिकेटर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग करने के लिए अब वो पहुंच चुके हैं। अब यहाँ उनकी फिटनेस पर फैसला लिया जाएगा। वो श्रीलंका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए दावा पेश कर सकेंगे। जडेजा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि वो बेंगलोर जा रहे हैं, अगर NCA जाकर वो फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं तो उनकी टीम इंडिया में वापसी हो सकती है। टीम इंडिया को जनवरी में श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैच और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जडेजा के श्रीलंका के खिलाफ खेलने की उम्मीद अब जताई जा रही है। उन्होंने टीम इंडिया की तरफ से तीनों ही फॉर्मेट में वो खेले हैं और वो ही कातिलाना गेंदबाजी, ढाकर बैटिंग में माहिर है, फील्डिंग में भी उनका कोई जो है वो सानी नहीं है। रविंद्र जडेजा ने भारत के लिए जो है 60 टेस्ट मैच खेले हैं, 171 वनडे मैच और 64 T20 मैच में भी उन्होंने भाग लिया है।